हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है नर्सरी। आज हम बात करेंगे नर्सरी के बारे में और लगभग ये भी हमारा दो से तीन लेक्चर में कंप्लीट होगा। आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नर्सरी के बारे में। तो सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं कि नर्सरी होता क्या है, क्या नर्सरी होता क्या है। जैसे हम बात करते हैं ना कि आजकल स्कूलों में चलता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सिस्टम्स, तो नर्सरी का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं, इनको उस नर्सरी में डाला जाता है ताकि इनकी अलग से स्पेशल केयर की जा सके। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, उनको हर एक चीज की उनकी केयर करनी होती है। उसी तरह से नर्सरी के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे सीडलिंग होती है, जो हमारा कोई भी प्लांटिंग मटेरियल होता है, उसको हमें अगर उगाना है, उसका हमें प्रोपोगेशन करना है, या उसकी हमें क्या करना है, प्लांटिंग करना है, या हमें उसको क्या करना है, मार्केट में बेचना है, तो उसको एक स्पेशल केयर दी जाती है। बहुत ही कंट्रोल में रखा जाता है, काफ़ी उस पर केयरें की जाती है। उसको उस जगह को जहाँ पर ये किया जाता है, उस जगह को क्या कह देते हैं, नर्सरी कह देते हैं। तो नर्सरी हम क्या कह सकते हैं, नर्सरी जो होता है एक स्मॉल प्लेस होता है। क्या होता है, एक स्मॉल प्लेस होता है, स्मॉल प्लेस होता है जहां पर हम क्या रखते हैं, जहां पर हम सीडलिंग को, जहां पर या हमारी सीडलिंग या फिर कोई भी एनी प्लांटिंग मटेरियल हो, सीडलिंग हो या कोई भी प्लांटिंग मटेरियल हो, इस नर्सरी क्या है, एक स्मॉल प्लेस है जहां पर सीडलिंग या कोई भी प्लांटिंग मटेरियल जिसका हमें क्या करना हो या तो प्रोपोगेशन करना हो, ठीक है, या फिर उसको हमें उगाना हो, रेस करना हो, या फिर क्या करना हो, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो, क्या करना हो, या तो उसका प्रोपोगेशन हो, राइज हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर उसको सोल्ड आउट करना हो, किसके लिए, प्लांटिंग के लिए, बेचना हो प्लांटिंग के लिए, ठीक है। अगर आप जाओगे नर्सरी, अब जहां कई लोग नर्सरी का बिजनेस करते हैं, आप वो जाते हो तो वहां पे प्लांट किस लिए रखे जाते हैं, बेचने के लिए रखे जाते हैं। दूसरी चीज, कई लोग जो होते हैं क्या करते हैं, जिनके पास अच्छी खासी खेती होती है, वो खुद भी क्या करते हैं, नर्सरी लगाते हैं ताकि वो अपने, मतलब जैसे कई सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती है, कई सारे जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो वो भी करते हैं। प्रोपोगेशन भी नर्सरी के अंदर किया जाता है। अगर हमें एक प्लांट से और कई सारे प्लांट्स बनाना है, टिश्यू कल्चर करना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो नर्सरी क्या होती है, नर्सरी वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहां पर किसी भी प्लांटिंग मटेरियल का या तो प्रोपोगेशन किया जाता है, उसको उगाया जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, या फिर उसको बिजनेस पर्पज से मार्केट में बेचा जाता है, या लोग उसको खरीदते हैं अपने घर पे लगाने के लिए, अपने फील्ड में लगाने के लिए, तो वो जो प्लेस क्या कहलाता है, नर्सरी कहलाता है, ठीक है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा केयर में रखा जाता है, उसको ठंड से बचाया जाता है, उसको धूप से बचाया जाता है, सारी चीज़ों से उसको बचाया जाता है, और पूरे घर वाले, पूरे परिवार वाले उस बच्चे की केयरिंग में लगे रहते हैं, उसको बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं। तो वो जगह, ठीक है, जहाँ पर छोटी सीडलिंग मतलब वही छोटा बच्चा, जहाँ पर उसको रखाया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, बीमार ना हो, ठीक है, अच्छे से बड़ा हो सके, तो वही चीज़ है। तो वह एक नर्सरी भी क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सीडलिंग जो है वहाँ पर हम प्रोपोगेशन करवा सके, उसको अच्छे से रख सके, उसका मल्टीप्लिकेशन कर सके, सोल्ड आउट कर सके, ठीक है, बस इसको बोलते हैं क्या, नर्सरी, क्लियर है। अब अगर मान लो आपको नर्सरी इस्टैब्लिश करनी है, क्या करना है, इस्टैब्लिश करनी है नर्सरी, आपको लगाना है या बिजनेस पर्पज से नर्सरी का इस्टैब्लिशमेंट करना है, तो क्या चीज़, क्या फैक्टर्स है उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नर्सरी को आप अगर इस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, आप नर्सरी का बिजनेस करना चाह रहे हो, तो नर्सरी को कैसे, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, नर्सरी इस्टैब्लिश करने के लिए आपको किसका, लोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, लोकेशन मतलब साइट आपकी कहाँ होनी चाहिए, आपकी नर्सरी किस जगह पर होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए नर्सरी आपकी, तो रोड के पास में होनी चाहिए, जो हाईवे होता है या जो हमारा अच्छा रोड निकला हुआ होता है, नियर बाय रोड्स होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, रोड के पास में होनी चाहिए, मतलब नियर बाय रोड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए नियर बाय रोड, क्योंकि
अगर मान लो आपका आपकी नर्सरी कहीं गले गोचे में कहीं आपने लगा ली नर्सरी, तो वहां पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं, जनरली ढूंढ नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि नर्सरी कहां पर है। लेकिन अगर रोड पे अगर है, रोड के पास में है, लोग वहां से जनरली आते जाते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, कई बार लोग ऐसे ही विजिट करने आ जाते हैं कि चलो नर्सरी में घूम के आते हैं, तो उन्हें कुछ प्लांट अच्छे लगते हैं तो वो बाय कर लेते हैं घर में लगाने के लिए, या अगर खेती पर्पज से अगर वो चाह रहे हैं तो वो इजीली आपको ढूंढ पाए, इजीली आपकी नर्सरी तक पहुंच पाए, ऐसी जगह पर होनी चाहिए। तो नियर बाय रोड होनी चाहिए, या फिर टाउन में भी है आपका, टाउन मतलब रियर तो है, टाउन के पास होनी चाहिए, शहर के पास होनी चाहिए, ठीक है, नियर बाय रोड होनी चाहिए, टाउन के पास होनी चाहिए, ये पहली चीज। तो ये लोकेशन आपका कहाँ होना चाहिए, और यहाँ पर और क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई रोड के पास में रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगा। और मान लो कोई फार्मर आपके यहाँ नर्सरी प्लांट लेने आया, वो 1000 प्लांट ले जाना चाह रहा है, तो एटलीस्ट वो अपने गाड़ी जो है, फोर व्हीलर जो है, मतलब जो ट्रक है, वो आपकी नर्सरी में इजीली रोड के माध्यम से पहुंच जाए, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए, ताकि प्लांट भी डैमेज ना हो और इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात किसकी, लोकेशन की। लोकेशन के बाद क्या चीज आती है, ये तो पहली चीज हमने बात कर ली कि लोकेशन आपका कहाँ होना चाहिए, रोड के पास होना चाहिए, टाउन के पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके वहां पर होनी चाहिए। दूसरी चीज बात आती है सोइल सिलेक्शन, सोइल सेकेंड अगर हम बात करें तो सोइल, किस टाइप की सोइल में आपको नर्सरी लगाना चाहिए, ठीक है, किस टाइप की सोइल में आपको नर्सरी लगाना चाहिए। तो देखो जनरली हम क्या पढ़ते हैं क्रॉप के लिए कि लोमी सोइल होनी चाहिए, फील्ड क्रॉप के लिए हम फील्ड क्रॉप के लिए क्या पढ़ते हैं कि लोमी सोइल जो है सबसे बेस्ट होती है, किसके लिए, फील्ड क्रॉप के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा पानी नीचे जाता है, ना ही पानी ज़्यादा भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें लोमी सोइल क्यों होती है, क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा पानी भरा रहेगा, ना ही पानी नीचे चला जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। क्योंकि क्ले सोइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पानी भर जाता है, सैंडी सोइल में पानी टिकता नहीं, नीचे चला जाता है, इसलिए लोमी सोइल को हम बेस्ट मानते हैं फील्ड क्रॉप के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में जो बेस्ट होती है वो होती है सैंडी लोम सोइल, सैंडी लोम सोइल को बेस्ट माना जाता है। सैंडी लोम सोइल को बेस्ट क्यों माना जाता है बच्चों, क्योंकि देखो नर्सरी में यहाँ पे हमने बोला रोड के साइड में होना चाहिए, टाउन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना चाहिए। सैंडी लोम सोइल क्यों मानी जाती है, क्योंकि देखो नर्सरी में जब हम नर्सरी में सबसे महत्वपूर्ण डिजीज लगती है, नर्सरी में सबसे महत्वपूर्ण डिजीज कौन सी लगती है, डंपिंग ऑफ आद्र गलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, डंपिंग ऑफ वो डिजीज लगती है। क्यों लगती है, किसकी वजह से लगती है, पानी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से, पानी के भरने की वजह से। मतलब सोइल में अगर पानी भरा रहेगा, ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, पानी अगर वहाँ पे भर गया तो ये डंपिंग ऑफ बीमारी हो जाती है, वो सीडलिंग, मतलब नर्सरी की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी कौन सी है, तो ये डंपिंग ऑफ ही है, ये याद रखना। तो अगर मान लो हम यहाँ पे लोमी सोइल या क्ले सोइल यूज़ करते हैं जिसमें पानी भर जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो हमारी जो सीडलिंग है या जो हमारी नर्सरी की जो भी प्लांट हम लगा रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, डंपिंग ऑफ की बीमारी हो जाएगी, रोट लग जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। इसीलिए हम सैंडी सोइल भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जो भी पानी दोगे वो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि यहाँ पर मैक्रो फोर्स होते हैं, है ना। तो हम कौन सी सोइल यूज़ करेंगे, सैंडी लोम सोइल यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा, डंपिंग ऑफ जो बीमारी है वो नहीं लगेगी, पानी नहीं भरा रहेगा, ठीक है, पानी नहीं भराएगा तो डंपिंग ऑफ बीमारी नहीं लगेगी, इसलिए हम सैंडी लोम सोइल यूज़ करते हैं। सोइल का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, जो सोइल का पीएच है लगभग 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए सोइल का पीएच, क्योंकि इस पीएच पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है ना। ये जो पीएच है सबसे अच्छा माना जाता है, चाहे फील्ड क्रॉप ले लो या ये क्रॉप नर्सरी की ले लो या कुछ भी ले लो, ये सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पीएच पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी अच्छी होती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 से 8 भी कंसीडर कर सकते हो, 5.5 से लेकर 8 तक भी कंसीडर कर सकते हो, ये प्लांट झेल लेंगे, क्योंकि हर जगह तो ये 6.5 to 7.5 आपको मिलेगी नहीं, वेरी करती है, तो 5.5 से 8 तक भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये सोइल पीएच की बात हो गई कि सोइल में इतना पीएच होना चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए, क्लियर है। क्यों सैंडी लोम यूज़ कर रहे हैं, ताकि डंपिंग ऑफ ना बीमारी हो, पानी ना भरे, इसलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं, सोइल अपने को ये रखनी है।
तो लोकेशन हो गया, सोइल हो गया। फिर ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए क्या जहां पर नॉक्सियस वीट हो। लोकेशन क्या आपका, लोकेशन में ही है, वो लोकेशन के अंदर ही है कि जहां पर नॉक्सियस वीट हो, जो नॉक्सियस वीट होते हैं ना वहां पर आपकी नर्सरी नहीं होनी चाहिए, वहां पर नर्सरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए जहां पर नॉक्सियस वीट हो। नॉक्सियस वीट मतलब जैसे हमारा कौन सा होता है, कांग्रेस ग्रास, पार्थिनम स्टोपोरस, लेंटाना, ये ऐसे वीट है जिन पर जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये ऐसे वीट है जिनका कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये नॉक्सियस वीट है इनका कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आपने नर्सरी ऐसे एरिया में लगा दी जहां पर नॉक्सियस वीट का प्रकोप अच्छा खासा है, वहां पे आपने लगा दी, तो क्या होगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर हमारी नर्सरी जो है वो वर्कआउट नहीं होगी, ठीक है। तो ये वीट जो है नॉक्सियस वीट नहीं होनी चाहिए, वहां पर नॉक्सियस वीट नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें चौथा, वाटर फैसिलिटी या हम बोल सकते हैं इरिगेशन। बात करें इरिगेशन की, इरिगेशन कैसे, अब आप नर्सरी में इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी मतलब वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए किसके लिए, नर्सरी के लिए। हम अभी बात कर रहे हैं लोकेशन की साइड की कि कैसा लोकेशन लेना है, रोड के पास हो, टाउन के पास में हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, नॉक्सियस वीड ना हो, सैंडी लोम सॉइल हो, पीएच इतना होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए। अब नर्सरी में वाटर इरिगेशन कैसे देते हैं, नर्सरी में जो है इरिगेशन कैसे देते हैं, देखो नर्सरी में जो इरिगेशन है ना तो स्प्रिंग किससे देते हैं, ना तो चेक बेसिन से देते हैं, ना ही फ्लड मेथड से देते हैं, ना ही स्प्रिंकलर से देते हैं और ना ही ड्रिप से देते हैं, याद रखना ना ही ड्रिप से देते हैं। इस किसी भी मेथड से इरिगेशन नहीं दी जाती किसके अंदर, नर्सरी के अंदर, याद रखना नर्सरी के अंदर ये कोई सी भी मेथड से इरिगेशन नहीं करते वहां पर। इरिगेशन क्यों नहीं करते इन मेथड से, अगर इन मेथड से करेंगे तो जो प्लांट है, प्लांट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो क्या होंगे, डैमेज होंगे, क्या होंगे, प्लांट डैमेज होंगे, क्या होंगे, प्लांट डैमेज होंगे। देखो आप चेक बेसिन होगा, आपने पाइप लगाया, ठीक है, आप क्या करोगे इस तरीके से, मान लो आपने पाइप लगाया ये और यहाँ पे आपकी नर्सरी है, तो ये इस प्रेशर से पानी गिरेगा तो आपके प्लांट जो है वो खराब हो जाएंगे क्योंकि प्लांट बहुत सॉफ्ट होते हैं। फिर अब हमारी नर्सरी के अंदर जो है प्लांट बहुत बहुत पास पास में होते हैं, तो यहाँ पे आप ड्रिप भी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ड्रिप हम कहाँ लगाते हैं, जो रो में जो क्रॉप होती है वहां पर लगाते हैं। स्प्रिंकल भी नहीं कर सकते, स्प्रिंकल आप लगाओगे प्रेशर ज्यादा रहता है तो प्लांट पर डायरेक्ट पानी गिरेगा तो वो डैमेज हो जाएंगे, इसलिए ये मेथड यूज नहीं होते। क्या करते हम, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट, एक कैन आती है, ठीक है, इस तरीके की एक कैन आती है, इस तरीके की एक कैन आती है, ये से फुवारा, ठीक है, जिसको हम शायद हजारा कहते हैं, इस तरह की कोई कैन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हजारा, हजारा कहते हैं। तो हजारा के थ्रू जो है नर्सरी के अंदर पानी दिया जाता है, वाटर स्प्रे के थ्रू, वाटर जो है इसके थ्रू दिया जाता है, समझ में आ रहा ना बात, पानी कैसे दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा पानी, हजारा के थ्रू जो है पानी दिया जाएगा, क्लियर है, यहां तक की कहानी समझ में आई, पानी कैसे देते हैं, हजारा के थ्रू देंगे, ये सारी मेथड यहां पे फॉलो नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नर्सरी के बिल्डिंग के बारे में, ठीक है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब नर्सरी आप लगा रहे हो तो वहां पर स्ट्रक्चर की बात आती है कि कहां पर कौन सी चीज होती है नर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो नर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा नर्सरी के अंदर, वहां पर क्या होती है, बिल्डिंग्स होती है, क्या होगी, बिल्डिंग्स होगी, यहां पर आपका क्या होगा, डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन रूम होगा या डेमोस्ट्रेशन प्लेस होगा। डेमोस्ट्रेशन प्लेस का मतलब होगा कि यहां पर आप ऐसे प्लांट रखोगे जो आप, जो भी आप वहां पर आप लोग देखने आएंगे उनको दिखाने के लिए, ठीक है। आप नर्सरी में जाओगे तो बाहर ही आपको देखो बहुत सारे प्लांट देखने को मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे प्लांट रखे रहते हैं बाहर ही, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं कि लोग जब रोड से निकल रहे हैं तो उनको बाहर अच्छे अच्छे प्लांट देखने को मिलेंगे तो रुकेंगे, चलो यार एक बार देख के आते हैं, शानदार से काफी अट्रैक्टिव प्लांट्स है, तो वो डेमोस्ट्रेशन के लिए हम इसीलिए रखते हैं ताकि लोग भी आए, अट्रैक्ट हो देखने के लिए और उनको देख के लोग जो है वहां पर प्लांट को जो है परचेस करें। डेमोस्ट्रेशन होता है, फिर प्रोपोगेशन यूनिट होती है, फिर क्या होता है यहाँ पे जो प्रोपोगेशन प्रवर्धन यूनिट होती है, प्रोपोगेशन यूनिट यहाँ पर होती है, ठीक है, जहाँ पर हम प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं। फिर हमारा प्लांटिंग एरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लांटिंग एरिया होता है, क्या होता है, प्लांटिंग एरिया होता है, ठीक है, और यहाँ पर रखी जाती है क्या, प्रोजेनी ब्लॉक, प्रोजेनी ट्री ब्लॉक होता है यहाँ पे, प्रोजेनी ट्री ब्लॉक होता है और प्रोजेनी ट्री ब्लॉक, हम इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
देखो ये प्रोजेनी ट्री बॉक्स के होता है, ये क्या काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो पूरी नर्सरी एरिया का ये 10% होता है, पहली चीज। पूरी नर्सरी एरिया का कितना एरिया होता है? 10% एरिया। पूरी नर्सरी एरिया का 10% एरिया रखा जाता है प्रोजेनी ट्री बॉक्स के लिए। ये सिस्टम है, मतलब यहाँ पर आप कौन से लगाओगे? प्रोजेनी प्लांट लगाते हो, प्रोजेनी प्लांट यहाँ पर लगाते हो। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? प्रोजेनी प्लांट क्यों लगाने चाहिए? जैसे मान लो आपके पास जो है कोई व्यक्ति आया प्लांट लेने, ठीक है, कोई फार्मर आया आपसे प्लांट लेने, और वो आपसे कितने प्लांट ले गया? मान लो 100 प्लांट्स वो आपसे ले गया, आम्रपाली के प्लांट्स ले गया, जो 2.5x2.5 डिस्टेंस पे लगती है। और उसने क्या किया, 2.5x2.5 डिस्टेंस पे यहाँ पर प्लांट लगा दिए। लेकिन ये जो प्लांट आपने इसको दिए 100 प्लांट, क्यों? क्योंकि आपने प्रोजेनी नहीं रखी हुई है, आप कहीं और से सीड लाए थे। आप कहाँ से लाए थे? सीड बाजार से, मार्केट से खरीद के लाए थे, वहां से आपने पौधे तैयार किए। तो जरूरी नहीं कि आप जो मार्केट से सीड खरीद के लाए उससे आपने प्लांट तैयार किए वो आम्रपाली के ही नहीं ले, हो सकता है कई बार धोखा हो जाए। तो यहाँ पर इस फार्मर ने क्या किया, 2.5 डिस्टेंस पे लगा दिए, लेकिन ये प्लांट जो है दूसरी वेरायटी के निकल गए, लंगड़ा के चौसा के निकल गए, जो जिसकी वजह से उसका जो ये पूरा बगीचा खराब हो गया। तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति आपके ऊपर क्लेम कर देगा भाई कि तूने मुझे गलत पौधे दे दिए। और आप बोलो कि मैंने गलत पौधे नहीं दिए, मैं तो जो जहाँ से सीड लाया था उसने सीड गलत दे दिए। तो इससे क्या होगा, आपकी रेपुटेशन जो है वो खराब होगी, आपकी नर्सरी पे कोई आना नहीं चाहेगा, और 10 लोगों को बोलेगा मैं वहाँ से प्लांट लेके आया था उसने मेरे को गलत पौधे दे दिए थे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो नर्सरी लगाता है उसे खुद को ही सीड तैयार करने चाहिए, खुद को ही प्लांट तैयार करने चाहिए। उसके लिए यहाँ पर प्रोजेनी प्लांट तैयार किए जाते हैं, प्रोजेनी ब्लॉक रखा जाता है कि अगर कोई फार्मर आएगा तो उसको आप क्या करोगे कि विजिट करवा दोगे कि देखो भाई ये आप जो प्लांट ले जा रहे हो आम्रपाली के वो इस तरीके से दिखाई देंगे, उसकी फ्रूटिंग इस तरीके से होगी, प्लांट इस तरीके से दिखाई देगा। तो उसको आप दिखा भी सकते हो जिससे वो बिलीव भी करेगा कि हाँ यार इस तरीके से खुद ने भी लगा रखे, ठीक है। दूसरी चीज, आप उस गारंटी के साथ उसको कह पाओगे कि भाई ये जो आप प्लांट ले जा रहे हो आम्रपाली के हैं और 100% मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, क्यों? क्योंकि आपने खुद ने उनको तैयार करे। तो प्रोजेनी के लिए 10% एरिया रखा जाता है। फिर यहाँ प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, तो प्रोपोगेशन के लिए मिस्ट चैम्बर पॉली हाउस या लेथ हाउस या नेट हाउस, ये प्रोपोगेशन के लिए हम रख दें। यहाँ पर क्या मिस चैम्बर रखा जाता है, ठीक है, मिस चैम्बर के बाद पॉली हाउस, लेथ हाउस, ग्रीन हाउस, ये सब रखते हैं। मिस चैम्बर क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोपोगेशन इनके अंदर क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर क्यों किया जाता है प्रोपोगेशन, क्योंकि जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, देखो मैं बता देता हूँ, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है इनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, 50 से 70%। जो फील्ड क्रॉप होती है उनको कितनी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उनको चाहिए 40 से 60%। ये क्वेश्चन आरईओ एचईडीओ में पिछली बार एग्जाम होती है उसमें पूछा था। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप को कितनी चाहिए, 50 से 70%, और रिलेटिव फील्ड क्रॉप को 40 से 60 चाहिए। लेकिन नर्सरी के अंदर आप बात करोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो वो चाहिए लगभग 70 से लेकर 90% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। तो देखो अगर हम नर्सरी के अंदर प्लांट ले रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है तभी वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, और वैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी 60 से 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है हमारी उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैसे भी ज़्यादा चाहिए। तो मिस चैम्बर के अंदर और पॉली हाउस इसके अंदर क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है पॉली हाउस, यहाँ पे क्या होता है सन रेज आती है, सन लाइट आती है, ये अंदर इंटर करती है, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ रिफ्लेक्ट होकर कुछ बाहर निकल जाती है, कुछ वापस टकरा के अंदर आ जाती है, इसे घूमती रहती है यहीं पे। तो इससे क्या होगा कि अंदर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या होगा, ये प्लांट हमारे क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, अंदर जो हमारे प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर फॉर्म में ये अंदर ही रह जाएंगे। ये जो वेपर फॉर्म है मतलब पानी जो है ट्रांसपिरेशन होगा, पानी पौधों से उड़ेगा तो किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में उड़ेगा तो ये अंदर ही रह जाएगा तो क्या करेगा, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो हमें पॉली हाउस और इनका यूज़ क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं नर्सरी के लिए या प्रोपोगेशन के लिए, ताकि हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अब मिस चैम्बर क्या होता है, मिस चैम्बर के अंदर क्या होता है, इस तरीके के क्या लगा देते हैं, फव्वारे लगा देते हैं, है ना। अभी आपने कोरोना टाइम पे देखा होगा कहीं भी आप जाते हो शॉपिंग मॉल में या कहीं पे भी जाते हो तो ऐसा छज्जा बना दिया था, जैसे आप उसमें से गुजरोगे वहां से सैनिटाइजर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्या होता है, ये फवारे लगा देते हैं यहाँ पे बहुत माइन्यूट पार्टिकल में, मिस्ट का मतलब होता है लगभग 100 से 50 से 150 माइक्रोन
पार्टिकल साइज कितनी होती है, 100 से 50 से 150 माइक्रोन तक। तो बिल्कुल ऐसे माइनूट पार्टिकल में क्या होंगे, यहाँ से फवारे निकलेंगे, ठीक है, फवारे निकलेंगे। ये जमीन पर नहीं गिरती बूंदे, ये वहीं पर क्या होती है, वेपर फॉर्म में घूमती रहती है, जिससे क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे प्लांट के लिए और भी अच्छी बात है। ठीक है, मिस चेमर के बारे में मैंने बता दिया। तो प्रोपोगेशन इनके अंदर हम करते हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन अलग से चैप्टर है तो अलग से पढ़ेंगे। और हो गया प्लांटिंग, हो गया एवेंटियर, इतनी कहानी समझ गए। और यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, प्लांट को अगर हम लगाते हैं तो पॉलीथीन, पॉलीथीन यूज़ करते हैं। और पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांसपेरेंट और एक होती है ब्लैक, एक ब्लैक पॉलीथीन। अब निम्न में से कौन सी पॉलीथीन बेस्ट है, पॉलीथीन दो प्रकार की पॉलीथीन हम करते हैं प्लांट्स को नर्सरी में लगाने के लिए, तो एक ट्रांसपेरेंट और एक ब्लैक होती है। जनरली आप जब भी देखोगे नर्सरी के अंदर आपको यही दिखेगी, ब्लैक वाली, क्यों, क्योंकि ये बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है अभी बताता हूँ आपको, देखो क्यों बेस्ट होती है, समझो क्यों बेस्ट होती है। ट्रांसपिरेशन की बात करो, अगर मान लो आपने यहाँ पे वाइट पन्नी ली, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पन्नी अगर आपने यूज़ की, कौन सी, वाइट ट्रांसपेरेंट, इसमें आपने अगर प्लांट लगा रखा है तो होगा क्या, सनलाइट यहाँ पे आएगी और ये वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे एल्बिटो काम करे, सनलाइट आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लैक ब्लैक पॉलीथीन का फायदा क्या है, कि जब ब्लैक पॉलीथीन आप यूज़ करोगे, ब्लैक वाली पॉलीथीन यूज़ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट जो आएगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब सनलाइट जो होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, इंक्रीज रहेगा, टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसलिए ब्लैक वाली, और फंगल वगैरह का इन्फेक्शन होगा यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट वाले में फंगल वगैरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, इसलिए ब्लैक वाली पॉलीथीन बेस्ट होती है। क्लियर है इतनी कहानी, चलो आगे बात करते हैं। इसमें और हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, नर्सरी स्ट्रक्चर की। नर्सरी स्ट्रक्चर में फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नर्सरी बेड की, किसकी बात करते हैं, नर्सरी बेड की, कि नर्सरी बेड कैसे होने चाहिए। तो नर्सरी बेड जो है तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पे नर्सरी बेड जो है तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है फ्लैट बेड, फ्लैट बेड होता है। दूसरा होता है रेज, रेज बेड। और तीसरा होता है डीप बेड। तीन प्रकार की नर्सरी के बेड हम तैयार करते हैं। अब ये क्यों, किस कंडीशन में फ्लैट होगा, किस कंडीशन में रेज बेड होगा, किस कंडीशन में डीप बेड होगा, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, किस कंडीशन में फ्लैट बेड होगा, किस कंडीशन में रेज होगा, किस कंडीशन में डीप फ्लैट होगा। देखो फ्लैट बेड कंडीशन कहाँ पर, जहाँ पर क्या हो, रेनफॉल कम हो, ऐसी जगह पर जहाँ पर रेनफॉल कम होती हो, और रेनफॉल कम होती हो और ड्रेनेज अच्छा खासा हो, ड्रेनेज क्या हो, गुड हो, वहाँ पर फ्लैट बेड लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल कम हो और ड्रेनेज गुड हो। फ्लैट बेड का मतलब, जैसे मान लो ये आपका खेत है और इसी खेत पे आपने क्या किया, नर्सरी तैयार की, यहाँ पे फ्लैट, एकदम फ्लैट, ये हमारी बेड हो गई। अब जैसे मान लो रेनफॉल कम है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो पानी जैसे जितना भी आएगा वो क्या, बह के निकल जाएगा, तो यहाँ पे डंपिंग ऑफ की बीमारी की जो टेंशन है ना वो नहीं रहेगी, डंपिंग ऑफ बीमारी नहीं लगेगी। क्लियर है, डंपिंग ऑफ बीमारी नहीं लगेगी। तो फ्लैट बेड जो है जहाँ पर, मतलब जनरली ड्राई एरिया हम बोल सकते हैं, सेमी एरिड एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है और ड्रेनेज कंडीशन अच्छी खासी हो। दूसरा हम रेज बेड की बात करते हैं, तो रेज बेड कहाँ पर काम करेगा, तो रेज बेड जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो, कहाँ हो, रेनफॉल ज़्यादा हो और जो ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज है वो क्या हो, पुअर हो, ठीक है, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। अब क्या हो रही है, जैसे मान लो अगर आप फ्लैट बेड यूज़ करते हो, बारिश ज़्यादा होगी या पानी भर जाएगा तो आपकी सीडलिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसमें बीमारी लग जाएगी, डंपिंग ऑफ। इसलिए जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर कौन सा बनाते हैं, ये आपकी खेत ऐसे उठा हुआ बना देते हैं, ठीक है, रेज बेड, उठा हुआ बेड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, अगर मान लो बारिश होगी तो पानी इस तरफ निकल जाएगा तो हमारी जो सीडलिंग है वो ख़राब नहीं होगी, किसकी वजह से, डंपिंग ऑफ होने की वजह से, समझ गए। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, हमारे प्लांट लगा देते हैं। अब ये बेड ये कितना रखा जाता है तो 15 सेंटीमीटर, याद रखना है, बेड कितना उठा हुआ रखा जाता है, 15 सेंटीमीटर इसको उठा हुआ रखा जाता है। क्लियर। डीप बेड की बात करते हैं, तो डीप बेड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सबसे पहली बात टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट जो रीजन है वहाँ पर डीप बेड
तैयार नर्सरी डिप बेड के फॉर्म में नर्सरी तैयार की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड रीजन होता है मतलब क्या होती है, यहाँ पर बर्फ जमती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है ना भाई। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, आप उत्तराखंड चले जाओ, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ठंडी हवाएं चलती है और बर्फ भी जमी हुई मिलेगी, जैसे नैनीताल में बर्फ जमती है, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर क्या लगाया जाता है, बनाई जाती है, कैसी नर्सरी बनाई जाती है, डिप बेड, किस तरीके की, इस तरीके की। जैसे मान लो ये आपका फील्ड है, तो इस तरीके से डिप बेड नर्सरी तैयार की जाती है। डिप बेड मतलब ये जो कितना डिप रखा जाएगा, ये कितना रखा जाता है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर डीप रखते हैं। यहाँ पर आप लगा देते हो प्लांट, नर्सरी प्लांट। अब होगा क्या, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, तो वो ठंडी हवाएं क्या ऊपर से निकल जाएगी, और मान लो बर्फ पड़ रही है, तो आप ऊपर से इसको कवर कर सकते हो, ऊपर से इसको कवर कर सकते हो, ताकि आपकी सीडलिंग खराब ना हो। क्लियर है? अब साइज की बात कर लेते हैं, साइज किस तरीके से रखी जाती है, साइज की बात करते हैं कि साइज क्या रखें सीड बेड की, यो नर्सरी बेड की साइज क्या रखें। देखो, तो अगर मान लो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये पहली हमारी नर्सरी बेड है, ये फिर दूसरा हमारा नर्सरी बेड है, ये तीसरा हमारा नर्सरी बेड, इस तरीके से आपने फील्ड में देखा भी होगा। तो ये इसकी जो लेंथ रखी जाती है, वो लगभग रखी जाती है 3 से लेकर 10 मीटर लंबाई, नर्सरी की लंबाई, मतलब ये जो लंबाई है, ठीक है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई है बेड की, ये कितनी रखी जाती है, 3 से 10 मीटर, ठीक है। ये दूसरी नर्सरी बेड आपकी यहाँ हो गई, तीसरी नर्सरी बेड यहाँ हो गई, तो लेंथ जो रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 3 मीटर। क्लियर है? दूसरा हम बात करें विड्थ, चौड़ाई, विड्थ जो कितनी रखी जाती है, विड्थ रखी जाती है लगभग 1 से 2 मीटर रखी जाती है। विड्थ कितनी रखी जाती है, 1 से 2 मीटर, मतलब ये जो है विड्थ आपकी कितनी रखी जाएगी, ये जो विड्थ है आपकी, ये रखी जाती है लगभग कितनी, 1 से 2 मीटर, कितनी रखी जाती है, 1 से 2 मीटर रखी जाती है, ठीक है। और एक बेड से दूसरे बेड के बीच में डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, लगभग 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक गैप रखी जाती है। अब ये गैप क्यों रखी जाती है, कि भाई आप यहाँ पे जा सको, घूम सको, और यहाँ पे इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सको, यहाँ पे हमारे प्लांट लगे हुए हैं ना, तो आप दोनों तरफ से इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सको। लंबाई 3 से 10 मीटर, चौड़ाई रखते हैं 1 से 2 मीटर के समथिंग चौड़ाई रखी जाती है। क्लियर है? तो ये साइज हो गई हमारी, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं किसकी, कि जो आप बेड यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, जो आप बेड लगा रहे हो, ये आप बेड जो यहाँ पे बनाओगे, ये बेड आप बना रहे हो, तो यहाँ पर सोइल का मिक्सचर किस तरीके से रखोगे, क्या सोइल का मिक्सचर क्या क्या रखोगे, यहाँ पे आप क्या दोगे, ठीक है, ये बेड बनाने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, ये तो यहाँ पर क्या होता है सोइल के मिक्सचर में, यहाँ होती है एक तो सोइल, ठीक है, सोइल के साथ होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो सोइल कितना होता है, सोइल कितना हिस्से में आपको रखनी पड़ेगी, सोइल का आप रखो 2 और ऑर्गेनिक मैटर भी 2 रखा जाता है, मतलब 1:1 कर सकते हो इसको, मतलब क्या हो जाएगा, 2 रखो मतलब 1:1। 2 कैसे, मैं बताता हूँ, सोइल यहाँ पे रखी जाती है 2, यहाँ आपको FIM रखी जाती है 1 और 1 रखी जाती है कंपोस्ट कौन सी, लीफ वाली, लीफ कंपोस्ट रखते हैं, तो वो भी रखी जाती है 1, तो ये क्या हो गया 2:1:1, क्या हो गया ये 2:1:1, लेकिन ये दोनों क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोइल हो जाएगा दो हिस्सा हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 1:1, तो यहाँ से इसलिए निकल के आता है 1:1 रेशियो में रखा जाता है सोइल का मिक्सचर। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नर्सरी, जैसे कि हमारी फ्रूट नर्सरी होती है, अपनी वेजिटेबल नर्सरी होती है, हाईटेक नर्सरी होती है, ऑर्नामेंटल नर्सरी होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।